आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड की अभी जिलों की सीरीज़ मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें से 3 जिलों का मैंने वीडियो बना के अपलोड कर चुका है, जैसे कि बोकारो का और रांची का और रामगढ़ का। ये तीनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से आप तीनों वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजकीय फल, राजकीय वृक्ष और राजकीय पक्षी और राजकीय फूल के बारे में। उसका साइंटिफिक नेम क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चूंकि झारखंड झाड़ और जंगलों का प्रदेश है, इसका एरिया कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। मैंने पिछले मतलब बार बार आप जितना बार वीडियो देखेंगे तो उतना बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि इतना है एरिया। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री और स्टेट बर्ड और स्टेट फ्लावर, ठीक है, ये 4 चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इन चारों चीज़ों का साइंटिफिक नेम क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आती है राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। आपको याद कैसे करना है, ये EMI, जैसे हम लोग EMI पे कोई परचेज करते हैं, ऑनलाइन परचेज EMI पे ख़रीदते हैं ना, तो उस तरीके से आप याद कर लीजिए एलिफेंट EMI, ठीक है। मतलब एलिफेंट हम लोग परचेज करेंगे, एलिफेंट खरीदेंगे कैसे, EMI से। तो एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, इससे आपका याद हो जाएगा कि झारखंड का जो राजकीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है ना, EMI। क्या है? EMI, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री। स्टेट ट्री सबको मालूम है, साल, ठीक है, साल है। तो ये क्या है, इसका शॉर्ट, मतलब शॉर्ट आप याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, SSR याद रख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि SSR इंडियन नेवी का एक सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स करके एक वैकेंसी निकलता है, तो उस टाइप से आप याद कर ले, कुछ भी जोड़ के आप याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो साल का क्या है साइंटिफिक नेम, सोरिया रोबुस्टा, ठीक है, सोरिया रोबुस्टा। सुखदेव जी मस्त ट्रिक है भैया, थैंक यू थैंक यू। और तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, चूँकि आज मैं लाइव आया हूँ, टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए थोड़ा आज लाइव बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा आ जाता है राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड, ठीक है। स्टेट बर्ड क्या है, यू डायनामिस स्कोलोपेसियस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। ऐसे तो यू डायनामिस स्कोलोपेसिया, तो यहाँ पे स्कोलोपेसियस, यू डायनामिस स्कोलोपेसियस। आप किसी भी तरीके से इसको कीज KES इस टाइप से भी याद कर सकते हैं, KES के से कोयल हो गया, इसे यू डायनामिस और एस से हो गया स्कोलोपेसियस, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है राजकीय फूल के बारे में, स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर आपको पता होना चाहिए, पलाश है, क्योंकि झारखंड जो है झाड़ और जंगलों का प्रदेश है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पलाश पाया जाता है, तो इसका राजकीय फूल का नाम है पलाश, जिसका साइंटिफिक नेम है यानी लैटिन नाम भी बोल सकते हैं, ब्यूटिया मोनोस्परमा। ठीक है, क्या है, ब्यूटिया मोनोस्परमा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। इस टाइप के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और चूंकि मेरा नाम है वीरेन महतो, आप अगर आप मेरे इस चैनल पर वीडियोस देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं, आज का जो थॉट कह सकते हैं, आप मेहनत करेंगे तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, ठीक है। झारखंड की नौकरी लेना चाहते हैं तो पूरा मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, वंदे मातरम, बाय बाय।